अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी। उम्मीद है आप लोग बायोलॉजी को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो आइए इसको वाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म का, और इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो पाइन ट्रीज की है, और इनका जो बोटैनिकल नेम है दैट इज पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। ये जो पाइन ट्रीज हैं, दे आर कोन बेरिंग प्लांट्स, और इनमें जो बोथ मेल एंड फीमेल स्पोरोफिल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम मेच्योर स्पोरोफाइट। अब अगर हम बात करें स्पोरोफिल की, तो आपको पता है कि दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, और जो स्पोरोफाइट है ये वो जनरेशन है प्लांट की, या वो फेज है प्लांट का जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि ये जो पाइन ट्रीज हैं, इनमें जो बोथ मेल और फीमेल स्पोरोफिल्स हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम स्पोरोफाइट। तो ऐसे प्लांट्स को जहां पे मेल और फीमेल जो स्पोरोफिल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनेशियस प्लांट्स कहते हैं। फिर ये जो पाइन ट्रीज हैं दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस बेसिकली वो प्लांट्स हैं विच आर जनरेटिंग मेल एंड फीमेल स्पोर्स। जो मेल स्पोर्स हैं इनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और जो फीमेल स्पोर्स हैं इनको मेगास्पोर्स कहते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनमें सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं, दे हैव सीड्स, लेकिन इनके ऊपर फल नहीं बनता। अब ये जो पाइन का प्लांट है इसको बेसिकली स्पोरोफाइट कहा जाता है। ये जो जो चीजें मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इनको आप ये जो सात पिक्चर बनी हुई है यहां पे भी देखते जाइए। यहां पे ये इस दिखाया हुआ है, दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बेसिकली इस प्लांट का नाम है विच इज रिप्रेजेंटिंग जिम्नोस्पर्म ओवर हियर। पाइन ट्रीज आपने ज्यादा हिली एरियाज में देखा होगा, ऑल्दो के इसको अब मैदानी इलाकों में भी लोग लाना शुरू कर गए हैं, लेकिन ये ज्यादातर आपको हिली एरियाज में नजर आते हैं, और ये बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर कोन्स लगती हैं। इन प्लांट्स को आम सादा जुबान में कॉनिफर्स कहा जाता है। इन पौधों के बारे में ये चीज बड़ी काबिले जिक्र है कि इनमें जो हार्श वेदर है, खास तौर पे जो सख्त सर्दी है, उसको टॉलरेट करने की बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है।
अगर आप इनके लीव्स को जब देखेंगे तो यहां पे देखिए इनके जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होते हैं इस तरह के, और ओवरऑल अगर आप प्लांट को भी देखेंगे तो ये पिरामिडल शेप, या इसको आप समहाउ कुछ ट्राइंगुलर शेप इन आउटलाइन कह सकते हैं। और ये चीज इनको जो स्नो है उसमें सर्वाइव करने की एबिलिटी देती है। अगर पत्ता चौड़ा होगा तो उसके ऊपर जब स्नो फॉल करेगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसके वेट से डिटैच होके गिर जाए। इसी तरह ये जो प्लांट है इसकी भी ये जो ट्राइंगुलर शेप है, यहां से जब स्नो फॉल होती है तो वो ज्यादा यहां से नीचे की तरफ गिर जाती है। प्लांट की जो टिप्स हैं जो कि रिलेटिवली वीक होती हैं एज कंपेयर टू इट्स बेस, उनके ऊपर स्नो बहुत ज्यादा स्टे नहीं करती, जिसकी वजह से ये हार्श एनवायरनमेंट यानी कि स्नो फॉल वगैरह में भी अपनी इंटेग्रिटी कायम रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स, इन पे फूल नहीं लगते बल्कि उसकी जगह पे इस तरह की कोन्स लगती है, और इन कोन्स के अंदर फिर चूंकि पोलन्स बनते हैं इसलिए इनको पोलन बेयरिंग कोन्स कहा जाता है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यही बेसिकली मेल गैमेट्स हैं। अब ये जो मेल कोन है ये एक तो साइज में छोटी होती है और दूसरा इसके ऊपर इस तरह के स्केल्स होते हैं, ये जैसे स्केल्स इस पिक्चर में नजर आ रहे। ये जो स्केल्स हैं इनके दरमियान में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं जिनको हम माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। जब ये कोन मेच्योर हो जाती है तो इसमें ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम है ये मेच्योर होके तो फिर पोलन्स को रिलीज करते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर एक सेल होता है जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ये बेसिकली डिप्लॉयड होता है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और फिर इसके रिजल्ट में स्पोर्स बनते हैं। इस मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स पैदा होंगे और ये जो चूंकि यहां पे मियोसिस हुई है विच इज रिडक्शन डिवीजन, तो डेफिनेटली हमने पहले एक चीज कही थी कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है, 2n नंबर है, तो जब मियोसिस होगी रिडक्शन होगी तो जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। अब यहां पे ये जो स्पोर्स बने हैं इनको टेक्निकली हम माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। एक वक्त में मिलियन की तादाद में ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पे अगर आप इस माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो ये माइक्रोस्पोर से भरी भी होती है। यहां से अब हम समझाने के लिए एक माइक्रोस्पोर को यहां साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप इस माइक्रोस्पोर को देखें तो इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है। अब इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस के नतीजे में ये दो सेल्स बन जाते हैं, फिर इनमें से एक और सेल माइटोसिस करता है तो ये दो से तीन बन जाते हैं। इनमें से जो पहला सेल होता है वो पोलन ट्यूब सेल होता है और ये जो बाकी दो है ये स्पर्म्स होती है। ये जो स्पर्म सेल्स हैं इनको हम पोलन्स कहते हैं या पोलन ग्रेन्स कहते हैं, एक ही चीज है। अब अगर आप इस पोलन के स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो ये स्फेरिकल होंगे और इनकी जो लैटरल साइड्स होती हैं उनपे विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से।
इन विंग्स का फायदा क्या होता है कि जब ये अपनी कोन से निकलते हैं तो रिलीज होने की बाद ये काफी देर तक एयरबॉर्न रहते हैं, हवा के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, मुअल्लक रहते हैं। तो ये विंग्स इनको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं हवा में रहने के लिए या एयरबॉर्न रहने के लिए। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हवा के साथ बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और फिर जहां इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वहां ये ड्रॉप हो जाते हैं। अब यहां तक जो मेल गैमीट्स का प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। अब इसको हम जरा टेबुलेटेड फॉर्म में एक दफा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्पोरोफाइट आ जाएंगे और इनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों स्पोरोफिल्स लगते हैं। हम पहले चूंकि मेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो ये मेल स्पोरोफिल होगा और इसके ऊपर कोन्स लगती हैं। कोन्स मैंने आपको बताया था कि मेल कोन्स साइज में छोटी होती हैं, उनके ऊपर खास तरह के, अच्छा अब ये जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर ये खास तरह के पत्ते होते हैं, इनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलके कलेक्टिवली वो कोन बनाते हैं। ये अगर इंडिविजुअली देखें तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर फिर माइक्रोस्पोरेंजियम लगते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो कि हमने कहा था कि डिप्लॉयड होता है, फिर इसके अंदर मियोसिस होती है जो कि रिडक्शन डिवीजन है। तो उसके नतीजे में यहां से क्या बनते हैं, शाबाश, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि बेसिकली मेल गैमेट्स हैं और इनमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ होगा। ये जो माइक्रोस्पोर है ये फिर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेशन के बाद ये बन जाता है माइक्रो गेमिटोफाइट। जो जर्मिनेटेड पोलन होता है या जो जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर होता है इसी को ही बेसिकली पोलन कहते हैं। तो यहां तक है जो मेल गैमीट बनने का प्रोसेस वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं फीमेल प्लांट की तरफ। अच्छा जी, इसी स्पोरोफाइट की एक ब्रांच के ऊपर लगती है फीमेल कोन। ये मेल कोन से थोड़ा साइज में बड़ी होती है, इसको ओव्यूलेट कोन भी कहते हैं। फीमेल कोन को ओव्यूलेट कोन भी कहते हैं। इसके ऊपर जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बेसिकली ये भी स्पोरोफिल्स ही हैं, लेकिन यहां हम इनको क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स। इनका जो टेक्सचर है वो एज कंपेयर टू माइक्रोस्पोरोफिल ये थोड़ा सा वुडी इन टेक्सचर होते हैं। इसीलिए ये जो फीमेल कोन है ये मैंने पहले बताया कि ये साइज में थोड़ी सी बड़ी भी होती है एज कंपेयर टू मेल कोन। इन्हीं पत्तों को जब आप खोलेंगे तो इसके दरमियान में होंगे मेगा स्पोरेंजियम। आप याद करें हमने मेल में यहां क्या कहा था कि मेल में यहां पे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, लेकिन यहां इस फीमेल के अंदर होंगे मेगास्पोरेंजियम। और ये बेसिकली फीमेल, ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये बेसिकली फीमेल गेमिटोफाइट है, इसको ओव्यूल भी कहते हैं। अब यहां पे देखिए ये जो मेगास्पोरेंजियम है
ये वाला, इसमें ये एक मेगास्पोर मदर सेल मौजूद है। मेगास्पोर एंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ इस माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद था। तो यहाँ इस मेगास्पोर एंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मौजूद है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर फिर मियोसिस होगी। ये खुद जो है ये डिप्लॉयड था, 2n मियोसिस हुई, रिडक्शन डिवीजन है। तो इसके रिजल्ट में ये चार मेगास्पोर्स बनेंगे और इनमें जो क्रोमोसोमल नंबर है ये हाफ होगा। अब इन चार मेगास्पोर्स में से ये जो तीन है ये डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो सरवाइव करता है। फिर ये जो एक मेगास्पोर बच जाता है तीन डिस्कार्ड होने के बाद, इसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ये स्टूडेंट यहां पे एक चीज याद रखिए कि ये जो ओव्यूल है ये एक इंडिहिसेंट मेगास्पोर होता है। इंडिहिसेंट का मतलब होता है ना खुलने वाला, और ये वेल प्रोटेक्टेड होता है यानी कि इंटेगुमेंटेड होता है। तो ओव्यूल को हम बेसिकली इंडिहिसेंट इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये खुला हुआ नहीं होता, वेल प्रोटेक्टेड होता है, और इसके ऊपर ये इंटेगुमेंट यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर अब बना था ये फिर आगे माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस के रिजल्ट में आप देखें यहां पे एक से दो, दो से चार, इस तरह से मेगास्पोर्स बनते जाएंगे और फिर उनमें से कुछ जो हैं वो एग में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये दो जो हैं ये एग में कन्वर्ट हो गए, जिनको आर्चिगोनियम विद एग कहा जा रहा है यहां पे ये। अब इस हालत में इस स्ट्रक्चर को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और ये अब रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन। आइए अब इनकी समरी देखते हैं। जैसे हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन तक देखी थी, यहाँ पे ये जो फीमेल प्लांट है विच इज स्पोरोफाइट, यहाँ पे हम उसका फीमेल कंपोनेंट सिर्फ देखेंगे। उसमें ये मेगास्पोरोफिल्स हैं जो कि ये वुडी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे भी हमने पहले भी बताया था इसको, यहाँ दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ये वाले ये मिलके इस तरह की ये कोन बना देते हैं जो कि ज्यादा वुडी और साइज में बड़ी होती है एज कंपेयर टू दी मेल कोन। इसी मेगास्पोरोफिल के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम यहाँ पे ये, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, वेरी गुड, इसमें मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं जैसे ये दिखाया हुआ, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जो कि खुद डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगी और उसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे मेगास्पोर जब बनेंगे यहाँ पे मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन है, जो मेगास्पोर्स बनेंगे वो हाफ क्रोमोसोम के नंबर के साथ होंगे जो कि फीमेल गैमेट से। फिर ये मेगास्पोर जो है इसके अंदर अब माइटोसिस होगी और उसके रिजल्ट में फिर ये मेगा गैमेटोफाइट्स बन जाएंगे। इन मेगा गैमेटोफाइट के अंदर बेसिकली मेगा गैमेट होता है। अब जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो प्रोसेस आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बेसिकली द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये जो मेल गैमेट्स हैं जो हमने बताया था कि वो उनके साथ फेदर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है उनमें, वो हवा के साथ, हमने पहले कहा था कि वो एयरबॉर्न होते हैं तो वो हवा के साथ उड़ेंगे। अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये जो मेल गैमेट्स हैं जिनका हमने कहा था कि उनके साइडों पे विंग्स भी होते हैं, वो एयरबॉर्न होते हैं और फिर एयरबॉर्न होने के बाद वो अल्टीमेटली जो फीमेल कोन है उसके ऊपर आके गिरते हैं।
अब यहां पे आके देखें तो ये पोलन जब यहां आके ड्रॉप होगा तो ये जो एग है ये तो बड़े वेल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में यानी कि ओव्यूल में प्रेजेंट है, जिसको हमने इंडेहिसेंट यानी कि जो ब्रोकन था, विच इज इंटैक्ट, बेसिकली इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर हमने ओव्यूल को ऐसे डिफाइन किया था, तो ये एग जो है वो इसके अंदर वेल प्रोटेक्टेड पड़े हुए, जबकि पोलन यहां बाहर आके इसके ऊपर ड्रॉप होगा। अब सवाल यहां पे ये आता है कि आखिर ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो मेल गैमीट है बेसिकली, ये इस फीमेल गैमीट के साथ जाके कैसे मिले, कैसे ये पॉलिनेशन हो। तो यहां पे ये जो मेल गैमीट है ये खास एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि इस ओव्यूल के अंदर एक रास्ता बना देते हैं जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं, और इसके थ्रू फिर ये ट्रेवल करता हुआ फीमेल गैमीट तक पहुंच जाता है। फिर जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यहाँ मिल जाएंगे आपस में, इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जब ये पोलन जो है ये पोलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएगा और वहां उसको पॉलिनेट कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, तो उसके बाद फिर उसके रिजल्ट में यहाँ ये एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ये जो एम्ब्रियो है ये भी एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। अब ये जो ओव्यूल की वॉल है ये ही बेसिकली प्रोटेक्टिव कोट बना देती है इस एम्ब्रियो का, जिसको हम बेसिकली सीड कोट कहते हैं, और यहां फिर इसी सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो के साथ साथ ये उसके लिए स्टोर्ड फूड भी है ताकि वो उससे नरिशमेंट अपनी ड्राइव कर सके। अब ये जो सारा सीड बनने का प्रोसेस है, जब ये मेच्योर हो जाता है, सीड मेच्योर हो जाते हैं, तो फिर जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं उनकी वजह से ये जो कोन्स हैं ये बस्ट कर जाती हैं, और फिर उस फटने के अमल के बाद ये जो सीड्स हैं ये उनमें से रिलीज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सीड यहाँ पे बन रहे हैं इनमें से कुछ के विंग्स होते हैं, कुछ के विंग्स नहीं होते, फिर ये अल्टीमेटली जिससे ट्रेवल भी करते हैं जिनके विंग्स होते हैं, जहाँ पे इनको फेवरेबल जगह मिलती है वहाँ ये ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से एक सीडलिंग बनता है और उससे फिर एक स्पोरोफाइट जो है वो जन्म लेता है। अब यहां पे भी देखिए डियर स्टूडेंट, के आपको जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो वाला फिनोमेना कितना वाजे है। जैसे ये स्पोरोफाइट है, इसके अंदर दोनों तरह के फिर प्लांट होंगे, मेल और फीमेल जो प्लांट्स हैं जो स्पोरोफिल्स हैं, और फिर उनमें मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स होती हैं, वो फिर मेल गैमीट्स और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपने जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से समझा होगा। ये चीज़ समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप जिस तरह मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाया है, अगर आप इसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, इसको लर्न करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी आसान होगी। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।